गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू। कल हमने हमारा चैप्टर पढ़ा था, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम था अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स विविधता। और आज हम इसका जो हमने कल यहाँ से छोड़ा था, आज उसको हम आगे यहाँ से रीड करेंगे। नेम थ्री वेज इन विच स्मीर एक एंड स्मीर दो वर डिफरेंट। क्या आपने ढूंढा उनमें क्या डिफरेंस था? Did these differences prevent them from becoming friends? क्या आप ऐसे बता सकते हो कि जो भी इनमें डिफरेंस के कारण वो दोस्त बनने से रुक पाए क्या? नहीं। चलो हम रीड करते हैं इस चैप्टर को। While Smir एक is more familiar with English, Smir दो speaks हिंदी। जहाँ स्मीर एक इंग्लिश बोलता था, उसको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती थी, वहीं स्मीर तो हिंदी बोलता था। ऑल्दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, दे स्टिल कम्युनिकेटेड विद ईच अदर। दोनों की भाषाएं अलग अलग होने के बाद भी ये दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। They made the effort to do so because this was what was important to them. उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए जो बात करना था वह इम्पोर्टेंट था। Smir एक एंड स्मीर दो also come from different religious and cultural backgrounds. जो स्मीर एक है और स्मीर दो हैं, दोनों की जो धार्मिक व रिलीजियस एंड कल्चर जो बैकग्राउंड से धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ थी वो अलग अलग थी। While Smir एक is a हिंदू, जहाँ Smir एक हिंदू था, Smir दो is a मुस्लिम, Smir दो मुस्लिम था। Different religious and cultural backgrounds such as these are an aspect of diversity. देखिए जहाँ पर ये क्या था, डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स, जो भी ये धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है अलग अलग हैं। सच एज दीज आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, ये सब विविधता के क्या है, उदाहरण है। ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स दैट माइट हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय द टू बॉयज। अब यहाँ पर आप इन दोनों के बारे में लिखोगे, वे कौन कौन से फेस्टिवल से सेलिब्रेट करते थे, स्मीर एक कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, स्मीर दो कौन कौन से सेलिब्रेट करते थे, आप वहाँ लिखोगे यहाँ। कैन यू थिंक ऑफ ए सिचुएशन इन विच यू मेड फ्रेंड्स विद समवन हु वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, राइट अ स्टोरी दैट डिस्क्राइब्स दिस। क्या आप एक ऐसी सिचुएशन के बारे में सोच सकते हो कि आप ऐसे ही किसी जो आपसे बिल्कुल अलग है, आपने उसको दोस्त बनाया हो? अगर ऐसा है तो आप उसको एक स्टोरी बनाकर दिखाएं। इन एडिशन टू देयर डाइवर्स रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स, देयर आर अदर वेज इन विच स्मीर एक एंड स्मीर दो आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, वाइल्ड स्मीर एक गोज टू स्कूल, स्मीर दो सेल्स न्यूज़पेपर। देखिए जो इनके जो धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि थी वो तो अलग है ही थी, लेकिन उसके साथ उनमें और भी अंतर था, डिफरेंस था। वो क्या था, स्मीर एक था जो स्कूल में जाता था, लेकिन जो स्मीर दो था वह अखबार बेचता था। डिस्कस व्हाई डू यू थिंक स्मीर दो डिड नॉट अटेंड स्कूल। आप क्या सोचते हो, स्मीर दो है वह स्कूल में क्यों नहीं गया? Do you think it would have been easy for him to attend school if he wanted to? क्या आप सोचते हो समीर दो के लिए यह बहुत आसान था, अगर वह स्कूल जाना चाहता था तो क्या वह जा सकता था? In your opinion, आपके विचार में, is it a fair situation, क्या है सिचुएशन बिल्कुल ठीक है, that कि some children get to go to school and others don't? क्या कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, क्या ये सिचुएशन ठीक है? आप इसके बारे में डिस्कस करना। स्मीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल। जो स्मीर दो था उसके पास मौका नहीं था, अपॉर्चुनिटी नहीं थी स्कूल जाने के लिए। परहैप्स यू हैव नोटिस दैट, आपने यह नोटिस भी किया होगा कि देयर आर सेवरल पीपल इन द एरिया वेयर यू लीव
जहाँ पर आप रहते हो आपके एरिए के आसपास कोई ऐसे लोग होंगे, कुछ लोग होंगे हु आर पुअर, जो बहुत गरीब होंगे, एंड हु डू नॉट हैव इनफ टू ईट, और जिनके पास खाने के लिए डू नॉट हैव इनफ टू ईट, खाने के लिए और वियर और पहनने के लिए, एंड समटाइम्स नॉट इवन ए प्लेस टू लिव, रहने के लिए पहनने के लिए उनकी जो ज़रूरतें हैं उनके पास वो पूरी नहीं हो पाती हैं. दिस डिफरेंस इज नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन अर्लियर. देखिए जो यह वाला अंतर है, यह डिफरेंस है, यह भिन्नता है, जो पहले वाली भिन्नता से बिल्कुल अलग है. किससे अलग है, देखिए कैसे है. Here we are talking not of difference but of inequality. हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं यह डिफरेंस है, वह विविधता नहीं है, बट ऑफ इनइक्वलिटी, बल्कि यह तो असमानता है. इनइक्वलिटी कम्स अबाउट व्हेन ए पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन. इनइक्वलिटी तब आती है, असमानता तब आती है जब कुछ लोगों के पास, कुछ लोगों के पास साधन और अवसर दोनों होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास साधन और अवसर यानी कि रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, हम उसे इनइक्वालिटी कहते हैं. द कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ इनइक्वालिटी. जो जाति प्रथा है वह एक इसका दूसरा एग्जाम्पल है किसका, इनइक्वालिटी का, असमानता का. According to this society was divided into different groups depending upon the work that the people did and they were supposed to remain in those groups. अभी इसमें क्या है, जो भी जाति प्रथा है यह भी असमानता का ही एक एग्जाम्पल है. इसमें क्या होता है, इसमें इस सिस्टम में जो हमारा समाज है उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है. और इस जो यह बंटवारा होता है इसका आधार क्या होता है कि लोग किस तरह का काम करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है. लोग जिस जाति में पैदा होते हैं वह उसको चेंज नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, सो इफ़ यू आर पेरेंट्स वर पोर्टर्स यू कुड ओनली बिकेम ए पोर्टर. मान लीजिए आपके घर में कोई मिट्टी का काम करता है तो आप उसमें तो आपकी जाति या यानी कि कुम्हार की होती है तो आप बस वही बन सकते हो, आप कुम्हार का ही काम कर सकते हो, ठीक है, नथिंग एल्स, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते. दिस सिस्टम वॉज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोज टू चेंज यूअर प्रोफेशन इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन वट यू नीडिड इन यूर प्रोफेशन. आप लोग जो भी काम कर रहे हो आप सिर्फ उसी को सीख सकते हो, उसके अलावा आप उससे अलग कुछ भी ज़्यादा नहीं सीख सकते. दिस क्रिएटेड ए सिचुएशन ऑफ इनइक्वलिटी, यह एक ऐसा मानता की स्थिति पैदा करता है. यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अनदर इनइक्वलिटीज इन द फॉलोइंग चैप्टर्स. आप जो ऐसा मानता के बारे में क्या करोगे, अगले लेसन्स हैं उसमें पढ़ोगे. What does diversity add to our life? जो ये डाइवर्सिटी है, विविधता है, यह हमारे जीवन को जीवन में क्या ऐड करती है, हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, चलो इसके बारे में हम रीड करते हैं. Just like Smir Ek and Smir Do became friends, जैसे कि Smir Ek और Smir Do दोस्त बन गए. You might have friends who are very different from you. आपके पास भी ऐसे दोस्त होंगे जो आपसे बिल्कुल दिखने में अलग हैं. You have probably eaten different kinds of food in their homes. आप लोगों ने उनके घर में अलग अलग तरह के जो फूड है वो खाए होंगे. Celebrated different festivals with them. आप लोगों ने उनके साथ जो त्यौहार है वो भी सेलिब्रेट किए होंगे. आपने उनके साथ मिलकर सेलिब्रेट किए होंगे और उन्होंने आपके साथ मिलकर सेलिब्रेट किए होंगे. Tried out the clothes they wear. आप लोगों ने उनकी तरह के कपड़े पहने पसंद किए होंगे. एंड लर्न सम ऑफ देअर लैंग्वेज एज वेल. और आप लोगों ने उनकी तरह जो उनकी लैंग्वेज है उसको भी सीखा होगा. मेक अ लिस्ट ऑफ द फूड दैट यू हैव ईटन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. आप उस चीज़ की लिस्ट बनाए जो अगर आपने जो इंडिया के हमारे अदर पार्ट्स हैं वहाँ का कोई आपने भोजन खाया हो तो. मेक अ लिस्ट ऑफ द लैंग्वेज बिसाइड्स यूर मदर टंग दैट यू कैन स्पीक एट लीस्ट वन और टू वर्ड्स ऑफ. आप लोग उसकी भी सूची बनाइए, अगर आप कोई किसी भी भाषा के आप कुछ भी शब्द जानते हो
ठीक है, आप अपनी मदर टंग के अलावा उन भाषाओं की जो है उसकी लिस्ट बनाइए जिनके आप कुछ एक या दो भी शब्द जानते हों। यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग एंड हियरिंग स्टोरीज एंड एडवेंचर्स अबाउट डिफरेंट एनिमल्स पीपल एंड इवन गॉस्ट। यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग, अगर आपको पढ़ना पसंद है, एंड हियरिंग और सुनना पसंद है स्टोरीज, कहानियाँ, अगर आपको कहानियाँ सुनना और पढ़ना पसंद है, एंड एडवेंचर्स अबाउट डिफरेंट एनिमल्स, और यानी कि आपको तरह तरह की कहानियाँ पढ़ना और सुनना पसंद है, किसके बारे में हो सकता है वो डिफरेंट एनिमल्स हो उसके बारे में, जो एडवेंचर्स हैं या एडवेंचर्स यानी कि जो साहसिक घटनाएं हैं उनके बारे में, या एंड इवन घोस्ट और भूतों के बारे में, आपने भूतों का नाम सुना है, आपको क्या उनकी कहानियाँ पसंद हैं। मैनी यंग पीपल फील हैप्पी वेन दे रीड ए गुड स्टोरी बिकॉज इट गिव्स देम लॉट ऑफ आइडियाज़ टू मेक अप मोर स्टोरीज। पीपल हु राइट स्टोरीज गेट देयर आइडियाज़ फ्राम ऑल शॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेज, फ्राम बुक्स एंड रियल लाइफ एंड फ्राम देयर इमेजिनेशंस। देखिए, हो सकता है आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद हो, एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा हमें बहुत खुशी मिलती है, उसको पढ़कर ज़्यादा हो सकता है हमें और भी कहानियाँ बनाने के लिए अलग अलग जो है हमें आइडिया मिले। ठीक है, जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, वे अलग अलग टाइप्स की जो बुक्स हैं उनको रीड करके, या जो उनकी रियल लाइफ है या फिर इमेजिनेशन से वो क्या करते हैं, स्टोरीज बनाते हैं। अभी जैसे आप नीचे पिक्चर में देख रहे हो, Some may have lived in forest close to animals and chosen to write of their fights and friendship. अब मान लीजिए कोई जंगल में रहता है, वो क्या देखता है, वहाँ पर पशु पक्षियों को देखता है, लेकिन वह किस तरह की कहानियाँ लिखेगा, वह पशु पक्षियों से रिलेटेड कहानियाँ लिखेगा। ठीक है, Others read real accounts of kings and queens. और जो लोग राजा और रानी की कहानियाँ सुनते हैं, रोट स्टोरीज अबाउट लव एंड ऑनर, वह उन किस प्रकार की कहानियाँ लिखेंगे, वह उनके राजा रानियों के जो प्यार के बारे में या फिर उनके जो सम्मान के हैं उसके बारे में लिखेंगे। सम डिप्ड इनटू देयर ओन चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ स्कूल एंड फ्रेंड्स एंड रोट स्टोरीज ऑफ एडवेंचर, कुछ ने अपने बचपन की यादों में जो है गोते लगाए होंगे स्कूल और दोस्तों की, जो उनकी मेमोरीज हैं उनमें से कुछ उसको मेमोरीज को याद करके या कुछ की, ठीक है, उस टाइप की कहानियाँ लिखी होंगी। इमेजिन इफ ऑल द स्टोरी टेलर्स एंड राइटर्स दैट यू हैव हियर एंड रीड सो फार वर फोर्स टू लिव इन ए प्लेस वेयर ऑल पीपल वोर द सेम टू कलर्स एंड रेड एंड वाइट ate the same food, maybe potatoes, took care of the same two animals, for example the deer and the cat, and to entertain themselves played snakes and ladders. What kind of stories do you think they would write? अभी जस्ट आप इमेजिन करिए, जिन लोगों की आपने कहानियाँ सुनी है या जिनके बारे में पढ़ी है या जिन लोगों ने आपको कहानी सुनाई है, अगर उन सभी को ऐसी जगह पर रहना पड़ जाए कि जहाँ पर लोग केवल दो रंग के ही कपड़े पहनते हों, कौन कौन से रंग के, रेड एंड वाइट, लाल और सफ़ेद, वो एक ही टाइप का खाना खाते हों, मीन्स वो सिर्फ आलू ही खाते हों, वो क्या करते हों, केवल दो पशु पक्षियों को पालते हों, फॉर एग्ज़ाम्पल डियर एंड क्रो, है ना, एक ही तरह का खेल खेलते हों, कौन सा, सांप सीढ़ी का, स्नेक्स एंड लैडर्स, आप लोगों ने खेला है कभी सांप सीढ़ी का खेल, और क्या है, ऐसी जगह रहकर वे किस तरह की कहानियाँ लिख पाएंगे। अभी देखिए, उनको ने एक ऐसी इमेजिनेशन की है, अगर इन सभी को एक ऐसी जगह पर रहना पड़ जाए, ठीक है, जो यहाँ पे अभी मेंशन किया है,
तो अब उनसे पूछा गया कि वो किस, आप लोग बताइए वो किस टाइप की कहानियाँ लिखेंगे। देखिए हम जहाँ पर रहते हैं, हम हमारे आसपास जो हो रहा है हम उसी के बारे में सोचते हैं, हम उसी के बारे में कहानियाँ लिखते हैं। तो वो भी किस टाइप की कहानियाँ लिखेंगे आप सोचिए। इमेजिन दैट यू आर ए राइटर और एन आर्टिस्ट हु लिव्स इन द प्लेस डिस्क्राइब अबव। अगर आप सोचो, अगर आप वहाँ पर, अगर आप भी एक राइटर हो, ठीक है, और आप इसी जगह पर जहाँ जो अभी ऊपर बताया है उस जगह पर आपको रहने के लिए बोला जाए, आइदर राइट ए स्टोरी और ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर लाइफ हियर, तो आप किस टाइप की कहानी लिखोगे? आप यहाँ पर उसको एक ड्रॉ करके दिखाइए, किस टाइप का पिक्चर आप ड्रॉ करोगे। डू यू थिंक यू वुड इन्जॉय लिविंग इन ए प्लेस लाइक दिस? लिस्ट 5 डिफरेंट थिंग्स दैट यू वुड मिस द मोस्ट इफ यू लिव्ड हेयर, उन्होंने कहा है। तो आप इसके बारे में कहानी लिखिए जो आप सोचते हैं ऐसी जगह में रहने में मज़ा आएगा क्या आपको लोगों को। आप उन 5 चीज़ों की जो लिस्ट है वो बनाइए जिनकी कमी ऐसी जगह में सबसे ज़्यादा चलेगी, ठीक है? अब ट्राई करना। डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में विविधता। इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़, वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजियस, बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू दैम इन डिफरेंट वेज। जो भारत है वह विविधताओं वाला देश है, हम डिफरेंट जो है लैंग्वेज है वह बोलते हैं, हम डिफरेंट टाइप्स का खाना खाते हैं, डिफरेंट सम जो है फेस्टिवल्स हैं उनको मनाते हैं, और जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन है हम उनको का पालन करते हैं। लेकिन अगर सोचा जाए क्या रियलिटी में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग अलग हैं क्या? हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, हम जो विविधता है उसको कैसे समझें? अ लिटल मोर देन 200 ईयर्स एगो और लॉन्ग बिफोर द ट्रेन एरोप्लेन बस और कार बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर इन शिप्स और ऑन हॉर्सेस, ऑन कैमल्स और ऑन फुट। अभी देखिए करीब 200 साल पहले जब हवाई जहाज नहीं होता था, रेल नहीं होती थी, बसेस और कार हमारी लाइफ का पार्ट नहीं थी, क्या लोग तब भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो ट्रैवल करते थे? हाँ करते थे। पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर इन शिप्स, उस टाइम भी लोग किस में ट्रैवल करते थे? पानी के जहाज में ट्रैवल करते थे, जो घोड़े हैं हॉर्सेस उसके ऊपर बैठ कर ट्रैवल करते थे, या फिर कैमल है उसके ऊपर बैठ कर, या फिर ऑन फुट या फिर पैदल चलकर वो लोग ट्रैवल करते थे। ऑफन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स और न्यू प्लेसेस टू सेटल इन और फॉर पीपल टू ट्रेड विद, एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रैवल वंस दे गोट टू ए प्लेस, पीपल स्टेड देयर ऑफन फॉर ए लॉन्ग टाइम, many other left their home because there were famines and droughts and they could not get enough to eat, some went in search of work while other left because there was a war। अभी देखिए जब लोग क्या करते थे, देखिए जब लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे किस लिए करते थे? हो सकता है वह एक जगह से दूसरी जगह इसलिए जाते थे ताकि वह वहां पर रह सकें, जो वह नई जमीन है उसकी तलाश में, या फिर हो सकता है ट्रेड यानी कि व्यापार के लिए जाते थे। जो वो ट्रैवल करते थे उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर जाकर वहाँ पर रुक जाते थे, वहाँ ठहर जाते थे। इसके अलावा जो सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर छोड़ देते थे। क्यों छोड़ते थे? मान लीजिए वहाँ सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई, तो लोगों के लिए वहाँ मुश्किल हो जाता था जीना, तो वह क्या करते थे, उस जगह को छोड़ कर दूसरी जगह चले जाते थे। जब उन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता था तो भी वे उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में चले जाते थे और कुछ लोग जैसे अगर वार होता था, युद्ध होता था, उसके कारण भी अपना घर छोड़ देते थे।
समटाइम्स एज दे बिगेन टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेसेस, जहाँ जब लोग नई जगह जाकर अपना घर बसाना शुरू करते थे, पीपल बिगेन टू चेंज अ लिटल, तो लोग क्या होता था, लोगों में थोड़ा सा बदलाव आता था. एंड एट अदर टाइम्स दे मैनेज टू डू थिंग्स इन द ओल्ड वेज, और क्या करते थे, वह नई जगह पर जाकर भी अपनी जो पुरानी वो स्टाइल था उनका, उसको भी वो साथ में यूज़ करते थे. सो देयर लैंग्वेज, फूड, म्यूजिक, रिलीजियन बिकेम ए मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू, और ये सब मिक्स हो जाता था. जहाँ पर वो, जहाँ से वो आए हैं, वो पुराना वाला जो उनका जो भी था, या उनकी लैंग्वेज हो, या फिर धर्म हो, म्यूज़िक हो, उनका फूड हो, सब चीज़ चेंज हो जाती थी. और जो जहाँ पर, जिस जगह पर वो रहते थे, वो वहाँ का भी अडोप्ट कर लेते थे, इसलिए उनका ओल्ड एंड न्यू, नया और पुराने का मिक्स हो जाता था. द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शोज अस हाउ मैनी डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैव हेल्प टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर. दस रीजन्स बिकेम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्टोरीज. अलग अलग क्षेत्रों का अगर हम हिस्ट्री देखें, अलग अलग क्षेत्रों की हम हिस्ट्री देखें, तो हमें पता चलता है कि किस तरह जो विभिन्न हैं सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और सांस्कृतिक को आकार देने में हेल्प किया है. इस तरह से कई क्षेत्र हैं जो अपने जो विशिष्ट इतिहास है, उसके कारण वह पर क्या हो जाता है, डाइवर्स हो जाता है, यानी कि विविधता संपन्न हो जाते हैं वो लोग वहाँ. सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार, डाइवर्सिटी ऑल्सो कम्स अबाउट वैन पीपल अडोप्ट देयर लाइव टू द जियोग्राफिकल एरिया इन विच दे लिव. अगर लोग अलग अलग तरह की जो भौगोलिक स्थितियां हैं में किस प्रकार सामंजस्य बिठाते हैं, उससे भी जो डाइवर्सिटी है वह उत्पन्न होती है. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए, लिविंग नियर द सी इज ए क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन ए माउंटेनियस एरिया. जो लोग समुद्र के पास रहते हैं और जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उन्हें बहुत बड़ा फर्क है. नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लॉथिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, बट इवन द काइंड ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट. बल्कि लोगों के, न केवल उनके वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह वे काम करेंगे वे भी अलग अलग होंगे. शहरों में अक्सर लोग क्या यह बोल